इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों कोरोना संक्रमित हैं और दोनों ही होम आइसोलेशन में हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घर की दीवार एक ही है, मगर दोनों ने एक दूसरे को फोन करके हाल चाल तक नहीं लिया और ना तो स्वस्थ होने की कामना की। चौदह अप्रैल को अखिलेश यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी लोगों को दी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। आपको बता दें कि उसी के कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बताया कि उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और दोनों नेता होम आइसोलेशन में चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को इस वजह से फोन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई व्यवस्था से बहुत ही नाराज हैं और जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की लापरवाही और बिगड़ती हुई व्यवस्था सामने आ रही है, इसके बाद अखिलेश यादव की नाराजगी योगी आदित्यनाथ के लिए और भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अभी तक एक भी फोन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के करीबियों की माने तो वह इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, लेकिन हालात उनके हाथ से बाहर जाते जा रहे हैं। चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जिस तरीके से लगातार बिगड़ रही है, इसमें योगी आदित्यनाथ इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अखिलेश यादव से बात करने का समय नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई व्यवस्था और ध्वस्त होती ही स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से दोनों नेता एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।